Hello everyone, I am Dr. Nilima Gupta, consultant infertility and IVF at Sunrise Hospital, New Delhi. आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ इनफर्टिलिटी, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे सर्च करा अपना ये वीडियो शूट करने से पहले. यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं अबाउट IVF स्टेप बाय स्टेप और उसके प्रोसेसेस एंड उसके कॉम्प्लिकेशंस, IVF. इसीलिए मैंने ये टॉपिक आज चूज़ करा है कि सबसे पहले तो हम ये समझें कि अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो वो है क्यों. और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनफर्टिलिटी एक बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक समस्या है जिसका हमें सॉल्यूशन निकालना होता है. तो जब तक हमें समझ नहीं आएगा कि कंसीविंग होती कैसे है, तो हम इसमें आगे इन्वेस्टिगेशंस भी उसके अकॉर्डिंगली नहीं कर सकते. तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगी कि कंसीव करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है. मेनली 5 थिंग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. वन इज़ दैट योर ओवरी शुड बी हेल्दी इनफ. फीमेल पार्टनर में 3 चीज़ें कि उनकी ओवरी शुड बी हेल्दी इनफ टू प्रोड्यूस अ गुड एग, गुड क्वालिटी एग. लाइनिंग शुड बी थिक इनफ एंड रिसेप्टिव फॉर द एम्ब्रियो. तीसरा फैक्टर है ट्यूब्स. एक फीमेल पार्टनर में 2 ट्यूब्स होती हैं, तो उस पर दोनों ट्यूब्स का खुला होना या एटलीस्ट एक ट्यूब का खुला होना ज़रूरी है कंसीविंग के लिए. 4th फैक्टर है हस्बैंड का स्पर्म, मेल पार्टनर का स्पर्म, उसका नंबर, क्वालिटी और उसका मोटिलिटी, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी उसमें कितना है, टोटल मोटिलिटी एंड उसमें से भी प्रोग्रेसिव मोटिलिटी कितना परसेंटेज है, वो इम्पॉर्टेंट है. और 5वां फैक्टर जो मैंने आपको बोला वो दोनों के लिए कॉमन है, जो कि है हॉर्मोन्स. फीमेल पार्टनर और मेल पार्टनर में अच्छे एग्स और अच्छे स्पर्म बनाने के लिए हार्मोनल बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. अगर ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो फीमेल पार्टनर में तो एग में प्रॉब्लम हो सकती है. अगर पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़ है तो बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं लेकिन उसमें एग नहीं ग्रो कर पाता. कई बार ऐसा होता है कि ओवरी एग्स के नंबर एग्जॉस्ट कर चुकी होती है, जिसके कारण उनका प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो जाता है. सो ऑल दिस इज़ हार्मोनल डिस्टर्बेंस. और मेल पार्टनर में हार्मोनल डिस्टर्बेंस अगर होगा, स्पेशली मेल हार्मोन, तो उसके कारण जो स्पर्म्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के और क्वांटिटी के प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं. तो अब हम समझते हैं इस प्रोसेस को कि अगर हम कंसीव करते हैं तो किस तरह से करते हैं. हर लेडी की जो महीने की साइकिल है वो 28-30 डेज की नॉर्मल है. उसमें अगर प्लस माइनस 7 डेज है तो उसको नॉर्मल माना जाता है. अगर आपकी साइकिल 25 दिन की है, प्लीज़ आप चिंता मत करिए, इट इज़ नॉर्मल, प्रोवाइडेड इट इज़ एवरी 25 डेज. अब हम देखते हैं कि जब एक लेडी को पीरियड आता है तो कंसीविंग कैसे होती है. हर महीने आपकी ओवरी में कम से कम 10-20 जो एग्स हैं वो आपके पूल में से आते हैं और उसमें से खाली एक अंडा होता है जो ग्रो करता है. अगर आप कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहे, वो नेचुरली ग्रो करता है. और जब वो अंडा ग्रो कर जाता है उसके बाद क्या होता है कि वो ओवरी उसको रिलीज़ करती है. जब वो ओवरी रिलीज़ करती है एग को, तो ये जो आप ट्यूब देख रहे हैं इसका ये फिम्ब्रिया जो है, जिसको जो एक तरह से जैसे हाथ जैसा होता है, तो ये उस एग को पकड़ के नाउ द ट्यूबल फंक्शन कम्स इन टू प्लेस कि वो एग को लेकर के इट ट्रांसपोर्ट्स द एग अंटिल हेयर. सो एग सिट्स हेयर एंड वेट्स हेयर फॉर द स्पर्म्स टू कम एंड फर्टिलाइज. अगर आपका सही समय पे इंटरकोर्स होगा, मतलब अगर ओव्यूलेशन के आसपास आपका इंटरकोर्स होगा, तो स्पर्म्स क्या करेंगे, ये दिस इज़ द वजाइना, दिस इज़ द यूट्रस, दिस इज़ द कट सेक्शन. तो यहाँ से स्पर्म्स ट्रैवल करेंगे आपके यूट्रस में, यूट्रस के थ्रू जो आपकी ट्यूब्स कनेक्टेड है, स्पर्म वहाँ पे जाएगा, इट विल फाइंड द एग एंड फर्टिलाइज. वंस फर्टिलाइजेशन हैपन्स इट इज़ कॉल्ड एन एम्ब्रियो. फिर एम्ब्रियो वापस से ट्यूब के ज़रिए यूट्रस के अंदर आएगा और यहाँ पर आकर, जो कि लाइनिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, लाइनिंग अगर मोटी है, रिसेप्टिव है, तो यहाँ पर आकर जो है वो इम्प्लांट करेगा. इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं और यहीं से आपकी प्रेगनेंसी ग्रो करनी शुरू होती है.
तो ये चार फैक्टर्स तो आपको क्लियर हो गए हैं कि ट्यूब का फंक्शन इन सब में से कितना इम्पॉर्टेंट है, कि आपका जो स्पर्म है उसको ऊपर जाने के लिए भी ट्यूब ओपन चाहिए और एम्ब्रियो को वापस आके यूट्रस में इम्प्लांट करने के लिए भी ट्यूब चाहिए। तो ये चार चीज़ें प्लस हार्मोनल फैक्टर्स। अगर हम इनफर्टिलिटी की बात करें तो अगर हम स्ट्रिक्ट डेफिनेशन से जाएं तो इनफर्टिलिटी साइंटिफिकली डिफाइंड इस तरीके से होती है कि अगर कोई भी कपल एक साथ रह रहे हैं एक साल से ज़्यादा और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं, मीनिंग कि वो कोई भी तरीका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए और उनको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, नॉन मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, इन स्पाइट ऑफ दैट इफ दे हैव ट्राइड फॉर वन ईयर एंड दे आर नॉट एबल टू कंसीव, दिस इज़ द टाइम दैट दे शुड सी अ डॉक्टर। अब रही बात एक साल की ड्यूरेशन की, सो दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर फीमेल्स, फॉर फीमेल पार्टनर्स हु आर यंगर देन 35 इयर्स। अगर आपकी एज आज की डेट में लेट शादियां होना बहुत ही कॉमन है, 28-30 इयर्स इज़ द कॉमन एज ऑफ मैरिज नाउअडेज फॉर गर्ल्स, तो अगर आपकी एज 35 इयर्स से ज़्यादा है या फिर आपने रिसेंटली अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में कोई भी चेंज महसूस करा है, स्पेशली अगर आपकी साइकिल्स शॉर्ट हो गई हैं, तब मैं आपको एडवाइस करूंगी कि एज सून एज यू गेट मैरिड एंड यू आर प्लानिंग टू गेट अ बेबी, डोंट वेट मोर देन 6 मंथ्स, गो एंड गेट योरसेल्फ इन्वेस्टिगेटेड, डोंट वेट फॉर फुल 1 ईयर। दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, एज। इसके बाद अगर हम कॉजेस को देखें, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, एक तिहाई केसेस में जो प्रॉब्लम होती है वो फीमेल की तरफ से होती है, 1/3 केसेस में खाली मेल की प्रॉब्लम होती है और बाकी के 1/3 केसेस में यूजुअली इट्स अ कंबाइंड प्रॉब्लम। देर इज़ अ टर्म आपने बहुत कॉमनली देखा होगा यूट्यूब पे वीडियोस में, देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जिसमें कि सब कुछ चीज़ें नॉर्मल हैं, पार्टनर का एनालिसिस नॉर्मल है, वाइफ का सब कुछ नॉर्मल है, स्टिल दे आर नॉट एबल टू कंसीव। दीज आर द स्पेशल कंडीशंस। इसके बारे में मैं आपको अपने अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी कि इन केसेस को हम कैसे टैकल करते हैं, बट इतना मैं ज़रूर कहना चाहूंगी कि आज की डेट में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, बिकॉज वी हैव टेक्नोलॉजीज, वी हैव सो मेनी इन्वेस्टिगेशंस दैट वी कैन डू, आज की डेट में अनएक्सप्लेन्ड होना इनफर्टिलिटी का इज़ नॉट सो कॉमन एज इट यूज टू बी, लेट्स से 20 ईयर्स अगो। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इंडिया में स्पेशली परिवारों में ये माना जाता है, जैसे जो बड़े बूढ़े होते हैं उनका ये मानना होता है कि अगर कंसीविंग नहीं हो पा रही है तो खाली फीमेल पार्टनर की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको कंसीविंग में प्रॉब्लम है, इट कुड बी अ प्रॉब्लम ऑफ द मेल पार्टनर ऑल्सो, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप कंसल्ट करें तो दोनों के इन्वेस्टिगेशंस एक साथ हो। मतलब कि अगर हमें ओवरीज का चेक करना है, ओव्यूलेशन के लिए चेक करना है, उसके लिए पर्टिकुलर डे ऑफ साइकिल पे हार्मोनल टेस्ट होता है जो कि AMH, FSH, LH होता है, थायराइड प्रोलैक्टिन, ये फीमेल पार्टनर का। और जो यूट्रस की लाइनिंग को चेक करने के लिए कि यूट्रस हेल्दी है कि नहीं, वो हम अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन से। एंड साथ साथ में जो कि बेसिक टेस्ट है, हस्बैंड को भी अपना सीमन एनालिसिस कराना चाहिए, बिकॉज दीज आर द 3 ईजिएस्ट थिंग्स दैट वी कैन डू इन फर्स्ट स्टेप। जो ट्यूबल टेस्टिंग है वो करानी ज़रूरी है, लेकिन मैं ये एडवाइस करती हूँ बिकॉज इट इज़ एन इन्वेजिव प्रोसीजर, लिटिल अनकम्फर्टेबल टू द पेशेंट, तो अगर हमने बाकी सारी चीज़ें रूल आउट कर ली हैं देन वी शुड गो फॉर अ ट्यूबल टेस्टिंग, कि ट्यूब्स ओपन है कि नहीं है। कंसीव करने के लिए कम से कम एक ट्यूब का ओपन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो कंक्लूड करती हूँ। आज का टेक होम मैसेज ये है कि इनफर्टिलिटी एक बीमारी नहीं है, एक समस्या है जिसका समाधान डॉक्टर और कपल को मिलकर के खोजना है। और दूसरी बात ये है कि सारे के सारे केसेस में खाली फीमेल पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, इट कुड बी अ प्रॉब्लम ऑफ ईदर ऑफ देम और बोथ ऑफ देम। और तीसरी चीज़ ये है कि हर
कंसल्टेशन का सोल्यूशन हर जो लोगों के दिमाग में एक डर होता है कि अगर हम डॉक्टर के पास गए वो सीधा हमें IVF बता देंगे, तो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो कपल्स हमारे पास स्पेशली जो मेरे साथ कंसल्ट करते हैं, सपोज आई हैव कंसल्टेड 100 कपल्स, 90% ऑफ देम दे कंसीव विद जस्ट द गाइडेंस अबाउट ओव्यूलेशन, अबाउट द टाइमिंग ऑफ इंटरकोर्स, और बहुत ही एक बेसिक सा प्रोसीजर होता है IUI, जिसमें हस्बैंड का स्पर्म लेके हम वाइफ के यूट्रस में इंसेमिनेट करते हैं, जिसको IUI कहा जाता है। 90% पेशेंट्स इसके थ्रू कंसीव कर जाते हैं। ओनली 10% जो रिमेनिंग होते हैं, दोज आर प्रोबेबली द वंस हु रिक्वायर IVF। तो मेरा मेन टेक होम मैसेज आज ये है, नॉट एवरी वन हु इज इनफर्टाइल रिक्वायर्स IVF, and whenever you go to a doctor, please make sure that both of you, both husband and wife, are investigated together so that we don't waste time. If there is any problem, if husband is needed to be put on some supplements, we put him simultaneously on the supplements, and also, you know, work on the female partner together so that we don't waste time. Thank you. और इसी के साथ मैं ये भी अनाउंस करना चाहती हूँ कि सनराइज़ हॉस्पिटल के IVF डिपार्टमेंट के द्वारा हम लोग ये जानकारी, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मासेस तक पहुँचाने के लिए हम आज से ही इसी वीडियो के साथ ही अपनी एक सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें सारे के सारे टॉपिक्स इनफर्टिलिटी और IVF से रिलेटेड कवर करे जाएंगे वन बाय वन। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन जस्ट लेट अस नो एंड वी कैन यू नो मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।